गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। टुडेज अवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश इन स्टैंडर्ड थर्ड। आगे के वीडियो में हमने लेसन नंबर 5 में बलून मैन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी लेसन में द येलो बटरफ्लाई, एक पीला बटरफ्लाई, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अ येलो बटरफ्लाई फ्यू अराउंड इन सोनूज गार्डन। तो एक येलो बटरफ्लाई सोनू के गार्डन में उड़ उड़कर आ रहा था। सोनू वॉज द बटरफ्लाई, सोनू ने उस बटरफ्लाई को देखा, मतलब तितली को देखा। ही रन टू कैच इट, वो उसके पीछे भागा उसको पकड़ने के लिए। द बटरफ्लाई फ्लू टू द रेड बेड, वो बटरफ्लाई, वो तितली गुलाब के बिस्तर पर उड़ गई, गुलाब के ऊपर बैठ गई। इट सेट ऑन अ रेड रोज, वो उसका बट वहाँ पे उसके रेड बेड पे बैठ गई, रेड रोज पे बैठ गई। नाउ आई कैन कैच इट, तो वह उसने उसको पकड़ना चाहा, सोनू ने कहा। ही वॉकड स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई, सोनू उसको पकड़ना चाहता था इसलिए धीरे धीरे चुपचाप चला तितली को पकड़ने के लिए। ही कम क्लोजर क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर बट देन, तो वो उसके पास धीरे धीरे गया, उसके करीब और भी करीब गया, लेकिन वो बटरफ्लाई वहाँ से, वो तितली वहाँ से उड़ गई, वहाँ से तितली उड़ गई। ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, तितली ने बगीचे, तितली ने कहा बगीचे के। वेयर डिड द बटरफ्लाई गो, नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड, इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस, अराउंड इट ग्रेव राउंड लीव्स, दे फ्लोटेड इन द वॉटर। तितली ने कहा कि तालाब के बगीचे के पास एक तालाब था, वहाँ पे सफ़ेद रंग का एक कमल था, उसके चारों ओर हरे रंग के पत्ते थे, वहाँ वो पानी में तैर रहे थे। तितली तैरते हुए पत्ते पर बैठ गई। द बटरफ्लाई सेट अ फ्लोटिंग लीफ, तितली तरते हुए वो वहाँ लीफ पे बैठ गई। सोनू वेंट स्प्लैश इन टू द वॉटर एंड ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, तो सोनू छुप गया पानी में और तितली से दूर। वेयर वॉज इट, सोनू लुकड अप, ही लुकेड डाउन, सोनू उन्हें देखा कि वह तैर रही है। वहाँ पे नियर द वॉल वॉज अ पीच ट्री, वहाँ पे एक दीवार थी और वहाँ पे पीच का मतलब अड्डू, हिंदी में अड्डू बोलते हैं, वहाँ उसका ट्री था। इट हैड पिंक फ्लावर, वहाँ पे पिंक कलर का या गुलाबी कलर का रंग का फूल था। द बटरफ्लाई सेट ऑन अ प्रिटी फ्लावर, बटरफ्लाई वहाँ सुंदर से फूल पर बैठ गई। आई कैन कैच यू शूटेड सोनू, ही क्लाइम्ड अप द ट्री, अप ही क्लाइम्ड, बट तो मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ, सोनू चिल्लाया, वह चढ़ गया एक पेड़ पर, लेकिन वापस वह उड़ गई। बैक इट फ्लो डाउन फ्रॉम द ट्री, लेकिन वो पेड़ से उड़ गई। सोनू जंप्ड डाउन टू ही कैच्ड द बटरफ्लाई, तो वहाँ पे वो उड़ गई और सोनू पेड़ के नीचे कूद गया और तितली को के पीछे भागा। फ्रॉम द रोज, वो अपने वो गुलाब के पीछे भागा। टू द लोटस एंड अप द पीच ट्री, तो वो वहाँ सफ़ेद गुलाब था और वहाँ पे पीच का एक पेड़ था, अड्डू का एक पेड़ था, लेकिन ही क्लाउड नॉट कैच द बटरफ्लाई, वो बटरफ्लाई को पकड़ नहीं पाया।
यहाँ पे हमारी स्टोरी आधी होती है, दूसरी बाकी जो है हम कल फिनिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।